चीजें हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और दूसरा इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। तो मैं अपने तजर्बे से इन चीजों के ऊपर कुछ हाईलाइट करूंगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के लिए मेरे ये दूसरी तीसरी बारी एसोसिएटेड इन फंक्शन से मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस तरीके से कुंवर साहब और ये ऑर्गेनाइजेशन को वाइब्रेंट रखा गया है और फॉरवर्ड थिंकिंग रखा गया है इन लाइन विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स, उसमें कोई अंत नहीं होता इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन जो चीज़ें मैं सुनता हूँ कई बार मेरी भी आंखें खुल जाती हैं। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट दी ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम वेरी श्योर वी हैव अ लॉट टू गो एंड इनोवेट इन अ वे सो दैट वी बिकम अ इंडस्ट्री विच इज वर्दी ऑफ नेशनल प्रेज। इसमें वैल्यूएशन करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके ऊपर ऑलरेडी हमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई मैं उनका दोस्त हूँ, लेकिन आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है कि ये हाउसिंग का, यूनिवर्सिटी का, दीज आर दी आइडियाज एटलीस्ट आई कुड नेवर थिंक ऑफ। तो आई थिंक सर कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट एंड आई होप वी कंटिन्यू टू ग्रो। अभी बात आती है इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल के लिए क्योंकि हम जो सुपरवाइजिंग लेवल पे हैं, आर्मी से हैं, पुलिस से हैं या दूसरे भी जो नॉन आर्मी पुलिस भी है, मैं उनके मिला हूँ, वो ज्यादा आर्मी पुलिस टाइप हैं। उनका बिल्कुल दिल इस चीज में एक वर्दी के उसमें रहता है। तो अगली चीज जो हम आगे ले जा सकते हैं और जो ले जा रहे हैं सिर्फ उसको रियलाइज करने के लिए मैं बताऊं, एक रेजिमेंटेशन वी है, हमें एक सेंस ऑफ प्राइड टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप आनी चाहिए जिसमें हमें गर्व हो कि हम ये काम कर रहे हैं। उसके लिए बॉटम अप के लिए, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड अप के लिए, मेरा ख्याल जो पॉइंट 10 बार बोला जा चुका है, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में मैं आर्मी में भी बोलता था जो सुबह की पीटी या गेम्स क्राई उससे नहीं होती है, ये अंदर की भावना से होती है। जो आदमी सुबह उठ के पीटी जाने से पहले 30 बेंच स्ट्रेच और 30 सिट अप कर लेता है, जिसको सर्दी के मौसम में जब पसीना नहीं आ रहा तो कहीं जाना है तो गाड़ी के बजाय वो पैदल चल लेता है या कहता है यार ये 1 किलोमीटर मैं दौड़ ही लेता हूँ। स्पेशली जब आपकी एज आपको परमिट करती है, हमारे एज में प्रोबेबली फास्ट वॉक इज गुड। अपने आप को ये एक इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे आप बैंक में 10-10, 100-100, 500-500 रुपया डालते रहते हैं वो बढ़ता रहता है। इस शरीर के साथ जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो शुरू में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा वो ज्यादा डिविडेंड आगे मिलेगा। सो फिजिकल फिटनेस एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है, उसका पैशन होना चाहिए और उसका फायदा सिर्फ आपके एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा, उसका फायदा आपको और आपके परिवार को भी मिलेगा। आपका मेडिसिन पे खर्चा कम होगा, आप हेल्दी होंगे, यू विल बी एबल टू लुक अपने परिवार की देखभाल ज्यादा देर कर पाए। फिजिकल फिटनेस एक इंडिविजुअल जिम्मेवारी के तौर पर। और एक अभी ऐप है जो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, जिसमें फिजिकल चैलेंजेस देते हैं। इट्स अभी वो यूएस से इंडिया में आया है कि वो मुझे फिजिकल एक्सरसाइजेस बताते हैं, मैं उसको वो करके जब मैं कर लेता हूँ, सपोज उन्होंने बोला 50 बेंच स्ट्रेचेस करने हैं और उसको मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, तो उसमें वो फिजिकल चैलेंजेस कॉम्पिटिशन होता है नेशनल और रीजनल लेवल पे। दैट काइंड ऑफ ए फिजिकल, यू कांट हैव ए पीटी लाइक आर्मी एंड गेट देम ऑल टुगेदर, क्योंकि अभी तो ट्रेवल में और ड्यूटी जगह पे इतना वो होता है कि कोई एक सोल्यूशन फिट ऑल नहीं हो सकता। तो फिजिकल फिटनेस पे और मेंटल अलर्टनेस पे जितना भी एम्फेसिस किया जाए उतना कम है। अगली चीज है, क्योंकि अपना पूरा भारत हर लेवल पे टेक्नोलॉजी जब पकड़ना चाहता है पकड़ लेता है। जैसे मोबाइल, पहले मुझे पता है आज से 15 साल पहले हम कोई एड्रेस अपना बोलता था नंबर तो उसको पढ़ा देते, इसमें डाल दे यार समझा वापस दे दे, बट टुडे वी कैन डू अ लॉट विद द मोबाइल। तो हर वर्किंग लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे हमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे कि एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाए वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजी जॉब्स छीन रही है। लेकिन इन दी सिक्योरिटी फील्ड ह्यूमन बीइंग विल नेवर बी रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी इन रियल टाइम। हाँ, टेक्नोलॉजी से पता लगेगा किसने आगे क्या गड़बड़ किया, लेकिन उस गड़बड़ को प्रिवेंट करना ही एक सिक्योरिटी एनवायरमेंट होता है। उसके लिए स्किल्ड मैन विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली अगर वो स्किल्ड आदमी जो है गार्ड है वो अनस्किल्ड है या लेजी है या फिजिकली अनफिट है, तो ही इज अ बिगर सिक्योरिटी लायबिलिटी देन बीइंग अ सिक्योरिटी एसेट। तो